सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं राम मंदिर देखने के लिए, तो कल तक ही पहुंचेंगे। तो अपने घर से निकलते हैं, आपको आज मैं अपना घर दिखा देता हूं, ठीक है। सो गाइस, ये मेरा घर है, आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, ठीक है, अब हम निकलते हैं इधर से। मम्मी जी, हम राम मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो निकलते हैं। अब कपड़े वपड़े सारे पैक हो गए हैं, तो निकलते हैं। मैंने अपना बैग ले लिया है और निकलते हैं। ओके, शर्मा गई। हम इधर से अब चलने वाले हैं, तो हमारे साथ है हरकेश भाई, दादा भीम, दादा लाला। तो निकलते हैं यहाँ से। तो चले सर, निकलते हैं। भाइयों को बाय करते हैं। जय श्री राम। हम इधर से निकल चुके हैं, आप टाइम देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है। तो अब आगे से हम धीरज भाई को बैठाएंगे गाड़ी में, फिर सूदे रवाना हो जाएंगे। धीरज भाई आ जाइए सर। दिगिन दरवाजे आ गया भैया जी, कैसे हो आप? बढ़िया। ये हमारी दादी माँ है। ठीक है, चौदह में शीशो तो बंद करना पड़ेगा हाईवे। तीस पल वाल धीरज भाई मामा का लड़का है मेरे का। अब हमें फिलहाल टूल टैक्स पे, यूपी का टूल टैक्स। बाकला के पेड़ ना, तुम पे तो आते होंगे। अरे भैया बनाओ यार, कोई सुना दे का, सुना दे बढ़िया सुना दे राग नहीं। गाइज, अब हम यहाँ पे उतरे, हमको भूख लगी हुई थी, हरकेश भाई को भूख लगी हुई थी, तो कुछ खा लेते इधर है। भूख लगी हुई है, मेरी डाइट का टाइम है, वो तो भूख लगेगी यार। तो बिल्कुल भूख लग रही है तो आपको है। क्या नजारा है, वाओ सुपर बाइक। पहले वॉशरूम कर लेते हैं।
क्या लिया जा रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। कोई सफर में कोई परेशानी नहीं? नहीं, माहौल बड़ा अच्छा है। दादा पूछ का था। परेशान तो ना है? धीरज परेशान तो ना है सफर से? भाई बहुत परेशान हूँ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। भैया नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ भाई। तो गाइस यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। शर्मा गई। शर्मा बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कौशाला ये घोड़ा साला है। ये घोड़ा साला है। लेट पहुंचे थे तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया, तो फिलहाल बना रहा हूँ। अभी हमने खाना खाया है इधर भोजनालय पे, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, खा लिया है। अब आपको हरगिज भाई जी से मिलवाता हूँ एक बारी, क्या कंडीशन है उनकी, खाते भोजन। भाई भोजन कर लियो? भाई बिल्कुल कर लियो। कैसा लगे हो? बहुत बढ़िया। तो गाइस रात को ना हम लेट रुक रहे थे, तो हम इधर रुक रहे थे रात को, ठीक है, होटल में। तो अब निकल रहे हैं अयोध्या के लिए, क्योंकि रात को ना बहुत लेट हो गए थे तो इसलिए पहुंच नहीं पाए। तो अब जा रहे हैं सीधे अयोध्या, श्री राम के धाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए लखनऊ की सड़कें। वो खड़ा हमारा रथ HR 30 Z 7704। ये देखिए इधर से किसी ने ना गाड़ी में डेंट मार दिया था, पता नहीं किसने मार दिया।
तो गाइज मिलते हैं आपको रास्ते में। इतना गंदा आदमी हूँ मैं। भाई रेड वालों कितने को? रेड वालों है, रेड वालों कितने को? लाल वालों रेड वाले कितने को? कितने को लाल से लटक रहे हो? ये तो वैसे वीडियो ब्लॉग की है। शर्मा गई। भाई जब ये ऑटो वाले हैं ना, ये ऑटो वाले बोल रहे थे कि अभी 200 रुपये में राम मंदिर पे छोड़ेंगे, सिर्फ यहाँ से 900 मीटर दूर है 200 रुपये में। तो इससे तो अच्छा अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो अपना पैदल पैदल निकल जाना, बहुत आनंद आता पैदल पैदल निकलने में। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। हम राम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद है, बताना सब। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल पांडे लखनऊ महानगर अध्यक्ष। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पे है खटीक समाज पंचायती मंदिर अयोध्या। खटीक समाज पंचायती मंदिर, यहाँ पे खटीकों की पंचायत जुड़ती थी शायद। ये देखिए इधर, ये क्या है भाई? ये देखिए यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है, मेहंदी। गाइस यहाँ पे ना मोदी जी हैं, दिखाऊं?
गाइस मेरे को ना मंदिर दिख रहा है, आपको दिखाऊं? वो देखिए वहाँ पे शायद आ गए थे ना। ये देखिए यार जगह जगह पुलिस है, इधर कोने कोने में पुलिस, उधर भी है। फिर से मोदी जी क्या है मोदी? ओ गाइस अमिताभ बच्चन बहुत तेज हो रहा है, ये देखो। ओ गाइस लड़ाई होगी इधर, बंदर भाई साहब क्या लूट के लेके भाग गए। ये देखिए सही है नहीं का अधिकार इधर। इन्हीं का अधिकार है इधर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मन बनाए देखिए गाँव में कितनी भीड़ है इधर। शर्मा गई गंदा आदमी हूँ मैं यार। बंदर ही बंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथ साथ छोटा गाइस मैं सच्ची में डर गया, ये असली नहीं है ये। मैं सच में डर गया थी। बिल्कुल आनंद। गाइस उधर लिखा है मंदिर जाने का। जी का पूरी गाड़ी जहाँ कपड़ा जमा किए थे ना वहाँ भी आ जाइए।
तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना ये यहाँ पे एक एंट्रेंस होती है, तो यहाँ पे ना फ़ोन मतलब अलाउड नहीं है अंदर, फिर भी मैं आपके लिए ना कुछ करना चाहता हूँ। तो आप ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो इसमें यहाँ से मतलब अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन राम मतलब राम मंदिर बिल्कुल जस्ट सामने हमारे, वहाँ पे जाए नहीं मिले हमको। गाइज वो देखिए सामने यार मंदिर दिख रहा है बिल्कुल ही, फ़ोन अलाउड नहीं है। चलिए फ़ोन जमा करने चलते हैं फिर। बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा के मतलब शाम को भी जनता को बोल रहे तसल्ली नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद रील्स भी बनेगी इधर की। भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पर, और मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से ना मतलब आज पहली बार राम मंदिर आए हैं, तो मतलब क्या पता अब कभी चक्कर लगे, मतलब कब आना पड़ जाए, आना क्या पड़ जाए मतलब कोई पता नहीं है, अब आगे कभी चक्कर लगेगा या नहीं। तो सोच रहा हूँ कि कुछ कोई तोहफा मतलब एक प्रकार से बोलते हैं ना कोई माला वाला ऐसे कुछ ले लूँ, जो कि याद रहे कि हाँ मैं भी राम मंदिर गया था, कि मैं वहाँ से सब ले कर आया था। गाइस ये देखिए यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा है सभी का, बाहर मिलते हैं आपको, कुछ खरीदते हैं अच्छा सा जो राम जी की याद रहे। लेकिन मैंने देखा है धीरज ने ना मतलब बहुत अच्छी क्लिप ले ली है, दिखाएंगे आपको मंदिर ना कुछ दिनों में ना ऐसा बनने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए रियलिटी में ही मतलब इतना बड़ा मंदिर यार, उत्सव है यार सच्ची में। हेलो, मैं आनंद चक्रवर्ती हुआ था हेलो। ये बोले जय श्री राम, आए हाय, एक बार और जोर से बोलो, जोर से जय श्री राम। हम अंदर से आ चुके हैं, मेरा फोन ना बाहर जमा हो गया था, तो हम यहाँ से अंदर से निकल के आ चुके हैं। तो मतलब मैंने ना कुछ धीरज के फोन में ना कुछ क्लिप्स ऐड कर ली थी उसमें, तो दिखाते हैं आपको, एडिट करके दिखा देंगे कि मंदिर अंदर से कैसा है, मतलब फोटो वोटो वगैरह खींचे थे हम बहुत। मतलब एक तो अंदर फोन अलाउड है ही नहीं, अंदर फ़ोन ले जाने का अलाउड है ही नहीं, तो हम जैसे तैसे करके हम आपके लिए फ़ोन ले गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट, एंड मिलते हैं आपको रास्ते में।